हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत स्पेशल है और ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि आज मुंबई में जहाँ पर एक तरफ तो बहुत ज़्यादा भी खर्चे हैं, सर्वाइव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, और वहीं दूसरी तरफ सिर्फ 10 रुपये में आपको लंच मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है और कैसे मिल रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, तो सब हम चेक करने वाले हैं। तो आइए, तो यही है वो लोकेशन जहाँ पर आपको 10 रुपये में सिर्फ लंच मिल रहा है। लता कैटरेस, आप ऊपर इनका बोर्ड आप देख सकते हो, गरीब और ज़रूरतमंद के लिए दाल चावल भोजन सिर्फ 10 रुपये में, और टाइमिंग है 12 बजे से 2 बजे। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं और सब उनसे बातें करते हैं कि सब कुछ अब कैसे सब प्रिपेयर होता है और भी क्या क्या सब मिलता है, और हम खुद भी सब टेस्ट करेंगे और बताएंगे। आइए। आपको भी आइडिया तो आया कैसे? ऐसे ही एक दिन ऐसा लगा कि जाने जाने को खाने की बहुत ज़रूरत है, तो कोई ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सक रहा था, पैसे की वजह से लोग खाना नहीं खा रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा दाल चावल बाजी रोटी, दो दो रोटी पहले देते थे लॉकडाउन के पहले, हम लोग 10 रुपये में दो दो रोटी दाल चावल देते थे, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह 5 साल हमने 10 रुपये में दो रोटी दाल चावल बाजी रोटी सब देते थे, लेकिन 5 साल लॉकडाउन के वजह से वो अभी खाली दाल चावल देते हैं, वो भी ज़रूरतमंद। अभी हम ट्राई करने वाले हैं और इनका भी 10 रुपये वाला एक प्लेट। तो ये इनका प्लेट है अब 10 रुपये वाला, इसमें आपको राइस है और दाल है, और इनका राइस भी बासमती पौना बासमती है जो हम घर पे भी यूज़ करते हैं। तो अब हम इसे अब टेस्ट करने वाले हैं, अब देखते हैं कैसा है। उसका टेस्ट भी घर जैसा ही है, जो हम नॉर्मली भी घर पे जो बनाते हैं जी सेम, तो वैसा ही है। ये इनका लंच प्लेट है, इसमें आपको आती है 3 रोटियां, राइस, दाल और 2 सब्जियां। ये इनका सोयाबीन और आलू है, और ये इनका आलू फ्राई है। इसका कॉस्ट होता है अभी 70 रुपीज़, और ये सब ऑलमोस्ट आपको जो हम घर पर बनाते हैं तो वैसा ही है। घर वाला ही टेस्ट है इसमें, और इसमें आपको सेम राइस और सेम दाल भी यूज़ होता है, क्वालिटी के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इसके अलावा भी यहाँ पे आपको और भी बहुत कुछ और मिलता है। हमारे पास दाल चावल सब्जी रोटी डिफरेंट सब्जियाँ रहती है, और ऑर्डर पे भी जो चाहिए हम बना के देते हैं, क्वान्टिटी रहेगी तो। छोले भटूरे, अच्छा छोले भटूरे भी, हाँ उसका अंदर भी आलू परोठा वगैरह सब मिल जाता है जो चाहिए। अच्छा, और टाइमिंग क्या अंकल यहाँ का? सवेरे 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक तो पूरा टाइम पे खाना रेगुलर कस्टमर है। आपका रेगुलर कस्टमर है? उनके नेम इज घेऊन जातो, रोटी वगैरह सगळं घेऊन जातो, एकदम फर्स्ट क्लास घरच्या सारखं जेवण आहे, घरी नाही बनवलं सारखं वाटतच नाही कधी पण, तसं घरी असं तसं सेम फेस वगैरह सब एकदम सेम एकदम। मी कधी घरी नसेल तर इकडूनच घेऊन जातो सगळं, एकदम चपाती भाजी कोई प्रॉब्लम नहीं, टेस्ट हमेशा अच्छा एकदम। तो देखिए, तो ये आगे भी रेगुलर एक कस्टमर है, आपका नाम क्या? सचिन सर है। तो इनका कहना है कि यहाँ पर सब कुछ, मतलब जो हमारा भी घर का जो घर जैसा टेस्ट है वही टेस्ट है, सेम वही टेस्ट है। आप भी आओ,
एकदम फर्स्ट क्लास सब कुछ है, अलग तरीके से अच्छे से करके देते सब, मतलब एकदम हाँ एकदम घर जैसा, क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। हमारे यहाँ पार्सल भी मिलता है, खाने की भी सुविधा है, जिसको जो खाना है अगर टाइम होएगा तो फरमाइश पूरी करके जरूर बना के दे। और 10 वाली थाली का आपका टाइमिंग फिर 12 से 2 है, लेकिन फिर भी अगर कोई आ जाता है तो किसको मना नहीं करते, पूरा दिन देते ही रहते हैं। अच्छा, मतलब इनका ऑफिशियल भी टाइमिंग है 12 से 2 का भी, 10 वाली थाली का, और उसके बाद भी कोई आ गया तो लोग किसी को भी मना नहीं करते, वो भी चालू ही रहते हैं।